नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बेल्ट वाली ब्लाउज। इसका कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसमें हमने पेपर पर कटिंग करके और उस पेपर में हम ड्राइंग बना करके कटिंग नहीं करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट ड्राइंग बना के कटिंग करने वाले हैं। इसको हम ये 4 टक्स या 4 टक्स ब्लाउज भी कह सकते हैं। इसमें अलग तरह का ये बेल्ट लगा हुआ है, 2.5 इंच और ढाई, ये लगभग 2.5 इंच वन साइड है ना, ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार का ब्लाउज बना रहे हैं। इसका मेजरमेंट है 36 इंच, इसका चेस्ट है और कंधा जो है वो 12 इंच है और इसका जो कमर है वो 32 इंच है। तो चलिए, इसका लंबाई जो है वो 14 इंच है, ठीक है। तो चलिए इसको हम, जैसे इसकी पूरी लंबाई जो है वो 14 इंच के आसपास है। आधा इंच इधर दबाएंगे और आधा इंच इधर, ठीक है। और ये बेल्ट को हम अलग कर दें तो यहाँ से इसका जो नाप रहेगा वो 12 इंच के आसपास है। तो ये तो हुआ इसका मेजरमेंट, ठीक है। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मित्रों, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका हम दिल से धन्यवाद कहते हैं। आपने हमको देखा, हमारे पास जितने भी जो भी डिज़ाइन हैं वो हम अपने YouTube पर डालने वाले हैं, टेलरिंग संबंधी जो भी। ऐसा नहीं मित्रों कि हम ब्लाउज ही बस बनाते हैं, हमारे पास जो भी चीज़ है हमको, वो लेडीज़ जितने भी टेलरिंग संबंधी वो हम सभी इसमें आपको बताएंगे। तो चलिए इसको हटा देते हैं। ये इसका इस प्रकार का बेल्ट है, इसमें ये बॉर्डर पट्टी है, ये साड़ी का पीस है जो हमारे पास आया है। तो इसमें हम इसमें आस्तीन में लगाएंगे इसको, बॉर्डर को, और पीछे का पल्ले में लगाएंगे जो बेल्ट बनाएंगे उसमें। तो बेल्ट जो है वो हम 5 इंच का लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको, पहले आस्तीन को फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर इसको कपड़े को, जैसे यहाँ से ये इस प्रकार से आधा हम फोल्ड करेंगे 7.5 इंच के आसपास, ठीक है। और इधर हमको कितना कपड़ा हमारा 14 इंच का बन रहा है, जबकि हमको यहाँ पर 17.5 इंच के आसपास हमको कपड़ा चाहिए, ठीक है। एक तरफ हमको 17.5 इंच और पूरा हमको लगभग 16×32 33 इंच का कपड़ा हमको चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम जोड़ना पड़ेगा। और ये जो है वो आस्तीन है, तो आस्तीन हम किस प्रकार से इसका कटिंग किए हैं वो बताते हैं। 8 इंच इसका लंबाई दिए हैं और नीचे भी हमको 7.5 इंच हम कपड़ा लिए हैं यहाँ पर इस प्रकार से, और इधर भी इस प्रकार से 8 इंच लेंगे। तो ये ब्रैकेट जैसा हम बना देंगे पहले, उसके बाद यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और जहाँ से 3 इंच पर निशान लगाए वहाँ से ऊपर की ओर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से फिर हम इसको तिरछा इस प्रकार कर देंगे। फिर इसको गोलाई ऐसे सेप दे देंगे और ये गहरा कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से इसको हम कट कर देंगे, और इसको क्या किए हैं, इसको 5 इंच पर ये इस प्रकार से मार्किंग किया ऐसे, ये यहाँ से इसको, फिर इसको हमने पहले कट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि ये कटिंग हुआ है, ठीक है, ये आस्तीन हो गया, और इसको हम बेल्ट में लगाएंगे। तो ये आस्तीन तो पूरा हो गया, इसको अलग रखते हैं। अब बेल्ट के लिए हमको कितना कम पड़ रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ से हमको लेना है, इसमें हमको अभी आगे और पीछे का पल्ला भी हमको इसी में से निकालना है। तो इस प्रकार से रखा है इसको, और ये ठीक है, इसको पहले सीधा कर लेते हैं।
इस प्रकार से। अब इसको कट कर देते हैं ताकि हमको निकालने में सुविधा हो। अब इसको रखते हैं इस प्रकार से। ये बॉर्डर वाला है तो ये यहाँ पर फोल्ड करना पड़ेगा इसको, इसलिए हम इसमें थोड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम, यहाँ पर हमको 17 इंच चाहिए, ये यहाँ पर आएगा। क्योंकि ये दोनों तरफ सिलाई होगा इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा ही ले लेते हैं। ठीक है, कम कपड़ा होगा तो हम उसको नहीं बना सकते, लेकिन ज़्यादा रहेगा तो उसको हम अपने नाप के हिसाब से ले लेते हैं। तो थोड़ा हम इसको 20 इंच का यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हुआ इस प्रकार से, यहाँ पर सही है कि नहीं देख लेते हैं। 5.5 इंच और ये यहाँ पर भी 5.5 इंच। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये बेल्ट हुआ ये इस प्रकार से, अब इसको अलग रख देते हैं, इसका काम हो गया। अब हम निकालेंगे आगे और पीछे का पल्ला इसमें। ठीक है, तो हमको 9.5 के आसपास इसका चौड़ाई में चाहिए हमको, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखने के लिए चाहिए। तो हमको कितना लगेगा देखते हैं। ये 9.5 के आसपास हम यहाँ पर जैसे लगा लेते हैं, है ना। तो 9.5 और ये मार्जिन के लिए ठीक है, इतना ये कपड़ा हमको आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम इसको फोल्ड किए, ये 4 पल्ले में ये कपड़े को, है ना। यहाँ पर कम है देखते हैं, ये लंबाई जो है हमको 12 इंच आना चाहिए, ये 14 इंच है, आ जाएगा यहाँ पर। तो ठीक है, इसको इस प्रकार से रखते हैं और फोल्ड हिस्सा को ऊपर रखेंगे, और ये वाला सेंटर आएगा उसको हम, ये बीच में रहेगा आपका सेंटर में, तो इसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब इसमें कैसे निकालना है, बहुत इजी है। इसको इस प्रकार से रखा और ये 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे इधर भी। ठीक है, 12.5 इंच पर अब इसको मिला देते हैं, 12.5 इंच पर। अब यहाँ से 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी 5.5 इंच और यहाँ पर भी, अब इसको मिला देंगे इस प्रकार से। अब इसका शोल्डर देंगे हम 6 इंच, इसका कंधा है तो इसमें हम 1.25 इंच के आसपास 6 इंच ही लेते हैं। चलो 6 इंच ले लेते हैं। ठीक है, 6 इंच लिया। अब यहीं पर हम गले का चौड़ाई बना देंगे, तो 2 में 2 पॉइंट आगे करेंगे हम, 2 इंच का, ये 2 इंच से आगे 2 पॉइंट लेंगे। यहाँ पर भी उसी प्रकार से 2 पॉइंट आगे हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से हम अपना चेस्ट निकालेंगे, तो यहाँ पर 9.25 इंच पर चेस्ट है, 9.5 9 1 इंच हम कम 9.5 ही ले लेते हैं, इसलिए 9.5 यहाँ पर लेते हैं। अब यहाँ से 1.5 इंच पर मार्जिन रखेंगे, 1.5 2 इंच इतना ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कंधा निकालेंगे 6 इंच पर, 6 इंच पर। अब इसको ब्रैकेट बना देंगे इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टक्स बनेगा इसलिए हम यहाँ पर इसको कम नहीं कर रहे हैं यहाँ से, है ना। 32 इंच हमारा कमर है तो इसको हम पूरा रहने देते हैं, यहाँ पर टक्स बनाएंगे। तो ठीक है, तो अभी इसका आर्म होल बनाएंगे, यहाँ से इसको इस प्रकार से गोल गहरा शेप दे देंगे, ये इस प्रकार से इसको
बनाएंगे, ठीक है। इसको कटिंग नहीं करेंगे, इसको रहने देंगे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। अब ये गले गला का जो है वो 5 इंच पर है, सामने का गला जो है वो 5 इंच पर है, तो इसको 5 इंच पर निशान बना करके इसको गोल कर देते हैं ऐसे। एक पीछे का गला है वो 5.5 इंच पर है, सामने का गला है वो 5 इंच पर। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अगर आप चाहें तो इसी में आप जैसे जो 4 टक्स हैं 4 टक्स हैं ना, उसको आप इसी में बना सकते हैं। यहाँ से किया ऐसे, बीच का सेंटर लिया यहाँ पर 7.5 इंच, तो हम यहाँ पर जैसे 4 इंच पर दे देते हैं, ठीक है। इधर भी 4 इंच पर टक्स बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में ऐसे लेंगे तो 2.5 इंच पर, 2.5 इंच तक यहाँ पर, इधर भी, ठीक है। यहाँ से भी, यहाँ से हम 4.5 के आसपास तिरछा लेंगे, 4 इंच ले देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 4 इंच लेंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार से इधर भी 4 इंच पर हम ये टक्स को बनाएंगे, ये इस प्रकार से। और ऊपर भी हम, ऊपर हम 3.5 ले लेते हैं, 3 के आसपास इसको रखेंगे, ठीक है, ये इस प्रकार से। और इसको भी हम 3 इंच ही लेंगे, ये ठीक है। तो ये तो हुआ 4 टक्स। अब इसकी कटिंग कर देते हैं, देखिए कैसे इसको कट कर दिया। यहाँ हल्का सा गहरा देना है, क्योंकि यहाँ पर टक्स बनाएंगे, है ना, तो ये कपड़ा जो है वो इधर झुक जाएगा। तो इसके, इसको बढ़िया फिटिंग देने के लिए, इसको जहाँ से आप यहाँ पर 1 इंच का टक्स देंगे वहाँ तक इस प्रकार से इसको गहरा ले लीजिए, ऐसे कट कर देते हैं। इधर इधर 1/2 इंच आए इस प्रकार से, जैसे आप देख रहे हैं, है ना, ठीक है। अब यहाँ से इसको कट कर देते हैं, कटिंग जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब एक पल्ला जो है पीछे का, उसको अलग करते हैं, ये इसको, और जो सामने पल्ला है उसको इस प्रकार से रख करके, इसको भी गहरा हम इसकी कटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से भी कट कर दिया, ये हमारा कटिंग का जो है वो पूरा हुआ, बेल्ट वाली सलवार का। इसका स्टिचिंग का आप अगले वीडियो में हमारा देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है मित्रों, ये कटिंग है इस प्रकार का, आप इसका स्टिचिंग का अगले वीडियो में देखेंगे। और यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।